और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजर रहे ईरान के यात्री विमान में बम होने की खबर मिली। एटीसी ने फ्लाइट को दिल्ली में लैंड करने का सुझाव दिया था, लेकिन फ्लाइट को बांग्लादेश के लिए डायवर्ट किया गया। वहीं एयर इमरजेंसी से निपटने के लिए सुखोई जेट विमान को लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजर रहे ईरान का जो यात्री विमान है उसमें बम होने की खबर मिली थी, जिसकी वजह से एटीसी ने फ्लाइट को दिल्ली में लैंड करने का सुझाव दिया था, लेकिन फ्लाइट को बांग्लादेश के लिए डायवर्ट कर दिया गया है। और वहीं एयर इमरजेंसी से निपटने के लिए सुखोई जेट विमान को लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हालांकि दिल्ली में फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग का सुझाव दिया गया था, लेकिन फिलहाल इस पूरी फ्लाइट को बांग्लादेश के लिए डिवर्ट किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इमरजेंसी से निपटने के लिए सुखोई जेट विमान को लगाया गया है। वहीं एयर इमरजेंसी से निपटने के लिए सुखोई जो जेट विमान है उसे लगा दिया गया है दिल्ली में। हालांकि आपको बता दें, ये भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजर रहा था ईरान का यात्री विमान, लोगों से भरा हुआ विमान, उसमें बम होने की खबर मिली। उसके बाद इस विमान को दिल्ली में लैंड करवाने का सुझाव दिया गया, हालांकि इसे बांग्लादेश के लिए डायवर्ट करने की बात सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़कर और ज्यादा जानकारी लेकर। भवतोष, क्या कुछ जानकारी है? इस पूरी फ्लाइट को दिल्ली में लैंड करवाने का सुझाव दिया गया था, क्या दिल्ली में लैंड हुई फ्लाइट या फिर बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है? भवतोष, देखिए, ये फ्लाइट जो थी करीब 3:45 पे तेहरान से उड़ी थी और इसको चाइना जाना था, जहां पे इसको अगर उसका टाइमिंग इसके ऑफिस वो टाइमिंग देखें तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल करीब 4:35 था, जो कि करीब 13 घंटे की फ्लाइट थी। और ये जो फ्लाइट ये पाकिस्तान से जब उड़ी और इंडियन स्काइज में घुसी तो इसके पायलट ने ये कहा था कि इसमें एक बॉम्ब थ्रेट है, और उसके बाद इसका जो मूवमेंट था ये दिल्ली की तरफ, जोधपुर की तरफ से आने लगा था। और इसकी ये अनशेड्यूल्ड लैंडिंग की बात कर रहा था दिल्ली की तरफ, क्योंकि ये अनशेड्यूल्ड फ्लाइट पाथ इसने लिया था। तो उसके बाद दिल्ली का जो एटीसी था उसने ये इसको फ्लैग ऑफ किया था और ये कहा था कि आप इस तरफ मत आइए। उस वजह के बाद क्या हुआ था कि जो सुखोई जो एयरक्राफ्ट था, मतलब जो इंडियन एयरफोर्स के पास था, उसने उसके जेट थे उसको वो जेट जो थे वो उसको स्क्रैम्बल किया गया था और एक इमरजेंसी लैंडिंग की बात करने को कहा गया था कि इसको इमरजेंसी लैंड किया जाए। अगर इसके फ्लाइट पाथ को देखें तो अगर आप ये पूरा फ्लाइट पाथ जो एयर ट्रैकर जो होते हैं उसमें देखा जाए तो इस ये जो पूरा महान एयरलाइन का जो ये पैसेंजर प्लेन था इससे कई सारे लूट लिए हैं। देखिए, ये दिल्ली से दिल्ली से जब ये हरियाणा की तरफ घुसा है तो इसने कम से कम 2 से 3 लूट लिए थे और ये अब काफी खतरनाक था। जो इसमें पैसेंजर जो इस प्लेन के अंदर थे उनकी जान जोखिम में डाल सकते थे, क्योंकि एक ढंग से यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स वाले इसको एक दुश्मन का जहाज भी कह रहे थे, तो उसको ये कहा था कि इसको इस समय इंडियन एयर स्पेस में नहीं आना चाहिए था। और जिस ढंग से इसके पायलट जो प्लेन को उड़ा रहे थे वो भी काफी खतरनाक था, लेकिन जब एक बार ऑल क्लियर दिया गया था तो उसके बाद ये यहाँ से लखनऊ की तरफ से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाते हुए वापस ये चाइना की तरफ ये एयरक्राफ्ट चला गया और सबकी जान जो थी वो एकदम सही सलामत थी और वो यहाँ से निकल गया। ये चाइना की तरफ चला गया और कहा जा रहा है कि 6 से 7 बजे तक ये चाइना के एयर स्पेस में घुस जाएगा और ये फ्लाइट वापस नॉर्मल होगी। इसमें जो ये था ये काफी खतरनाक और जोखिम वाली बात है, क्यों ये इंडियन एयर स्पेस पे गया, किसने ये बॉम्ब थ्रेट दिया, ये काफी जांच की बात है। इसमें लोगों का स्टेटमेंट दिया जाएगा, दिल्ली में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनका भी स्टेटमेंट किया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी ट्रेजेडी आज अवर्ट हो गई है और इसकी जांच अभी चलेगी। जी, बहुत आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।